एड की शुरुआत होती है अपने पिताजी की पतलून चार बिलांग छोटी करवा करवा कर खुद पहन चुके इस बंदे से, और ये लड़की जो इस डिब्बे से खुशी 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 सिगरेट बॉक्स जैसी कोई चीज निकाल कर अपनी मम्मी के जहेज में आई सूटकेस में रखती है जो ऑलरेडी मुंबई लोकल की तरह खचाखच भरी हुई है। अचानक उसे याद आता है कि ओ भले ही गोवा जा रही हूँ लेकिन कपड़े पैक करना तो भूल ही गई। जैसे ही वो कपड़े लेने के लिए मुड़ती है ये जनाब नाराज फूफा जी की तरह ताना देते हुए कहते हैं, दो दिन के लिए थोड़ा कम नहीं पड़ेगा? इस मासूम को क्या पता था कि यही ताना इससे भारी पड़ेगा। ताना सुनकर ये बंदी ऑफेंड होकर कपड़े साथ लेने की बजाय एक और लिपस्टिक बैग में डाल देती है जिसमें ऑलरेडी कुछ लिपस्टिक्स गश खाकर गिरी पड़ी हैं। फिर दीदी इनकॉम्पिटेंट सरकारी अफसरों की तरह रीजंस देने लग जाती है, अगर आप भी मेरी तरह आर्ट ऑफ मेकअप से यतीम हैं तो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के नाम आपको जादू के रिश्तेदारों जैसे लगेंगे। सूटकेस भरकर मेकअप ले जाने का एक रीजन जो ये नहीं बताती है वो है बिना मेकअप के रूही बन जाने का खौफ। गोवा में हिप्पियों को ट्रिपल प्राइस में सारा सामान बेचने का सुनहरा ख्वाब सजाकर सूटकेस को दोनों मिलकर अपनी जबरदस्ती वाली रिलेशनशिप की तरह जबरदस्ती बंद करते हैं। फिर मम्मियाँ जिस तरह बच्चों को टॉफी का लालच देती हैं, उसी तरह ये लड़की इस दाढ़ी वाले बच्चे से कहती है, एक चीज छोड़ सकती हूँ? दाढ़ी वाला बच्चा टॉफी की लालच में खुश होकर पूछता है, क्या? जवाब मिलता है, तुम्हें। दाढ़ी वाले बच्चे के जज्बात को अपने दांतों में दबाकर अपनी इनर रूही को बाहर आने से रोकते हुए लड़की हंसती है और एड खत्म हो जाती है। डिड आई टेल यू के लड़का महाराष्ट्रियन होता है? ओ नायकाय। That's all for now. I tried something new. अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। इस तरह के विद डिलीशियस TVC रिव्यूज अगर आप और देखना चाहते हो तो वो भी बताना। बाकी विद डिलीशियस रिव्यू ऑफ K-dramas तो आते रहेंगे मचिंगूज़।